समय मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। नंदिता पांडे हमारे साथ, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। तो नंदिता, आपकी गणना क्या कहती है जहां तक सवाल है इन ग्रहों का? मेरी थोड़ा सा डिफरेंट है। वेरी गुड। और मैं थोड़ा सा पहले जाऊंगी, अप्रैल 2019 नया साल, हमारा नया संवत्सर शुरू हुआ था। हाँ। आप मेरे ब्लॉग चेक कर लें, आप मेरे यूट्यूब वीडियोस चेक कर लें, मैंने 2020 के लिए कहा था कि मास डिस्ट्रक्शन 2020 विल कम, विल हैपन इन 2020। एंड एग्जैक्टली वो एक फेस, एग्जैक्टली हम बीमारी नहीं लेके चल रहे थे, बट हम महामारी या मास इलनेस या मास नेचुरल कैलामिटी में भी लेके चलते हैं कि ऐसा होता है। क्यों बोला था? क्योंकि मैं थोड़ा सा स्टडी सैटर्न प्लूटन नेपच्यून का भी करती हूँ, अपने नौ ग्रहों के अलावा। राइट। आप हिस्ट्री में कभी भी जाएं तो सैटर्न एंड प्लूटो, प्लूटो क्या है कारक, उसको हिंदी में हम यम बोलते हैं। यम से आप समझ सकते हैं कि यम का मतलब होता है मृत्यु या मास डिस्ट्रक्शन या लॉर्ड ऑफ द अंडर, नरक का स्वामी या नरक के लॉर्ड बोले जाते हैं यम। प्लूटो को उसकी संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का कारक होता है, रेस्टोरेशन का कारक, यानी कि जो एक पैटर्न में आप चल रहे थे उसमें बिल्कुल ऐसे बदलाव लेके आता है और उसके बाद एक नए तौर तरीके से एक नई शुरुआत लेकर के आता है। ये प्लूटो का एक खास खासियत है। जब शनि और प्लूटो साथ में आते हैं तो बहुत जबरदस्त, शनि किसका कारक होता है? मासेस का कारक होता है, पब्लिक का, जनता का कारक होता है। जब जनता के साथ यम का स्थान एक युति में आ जाते हैं तो मास डिस्ट्रक्शन होता ही होता है। जनवरी 2020 से सैटर्न एंड प्लूटो साथ आए, बीच में फिर प्लूटो रेट्रो हुआ, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जुलाई के बाद से जैसे ही रेट्रो हुआ थोड़ा शांत हुआ। मैंने तब भी मार्च के टाइम पे भी, जब मैं आपके साथ तो नहीं कहा था पर बाकी प्रोग्राम्स कर रही थी, तब भी मैंने कहा था सितंबर एंड में थोड़ा सा खत्म होगा, लेकिन नवंबर के बाद इसका म्यूटेंट दोबारा से शुरू होगा, कुछ नए फॉर्म में आएगा। यू शुड नॉट टेक इट लाइटली। एंड ये अभी भी सैटर्न प्लूटो फिर दोबारा जनवरी 2021 में आ रहे हैं, ये रहेंगे 2022 अप्रैल तक का। जब तक ये साथ रहेंगे आप इसको हल्के में मत लीजिए। ये बीमारी किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में, इफ नॉट दिस तो इसका कोई म्यूटेंट फॉर्म आपको किल कर सकता है। और मैं सुनीता जी के उसमें लेके जाऊंगी, आप उसकी हिस्ट्री में चेक करें, जो स्पैनिश फ्लू हुआ था 1916 में शुरू हुआ, सैटर्न प्लूटो साथ आए, ढाई साल रहे लगभग, बीच में जैसे ही लोगों ने ईजी लिया एंड जैसे ही वर्ल्ड वॉर हम जीते या एक खत्म हुआ, पीपल केम ऑन द स्ट्रीट्स एंड लोगों ने जश्न मनाना शुरू करा, और वहाँ से जो मास डिस्ट्रक्शन हुआ, जो मैक्सिमम 1.8 बिलियन पीपल जिनकी डेथ हुई वो उस समय हुई जिस समय वो बिल्कुल डिग्रीज में बहुत पास में थे। सो इट इज़ नॉट अ लाइटर वर्जन। कोविड को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, अपने जितने भी गवर्नमेंट नॉर्म्स होते हैं, मेडिकल नॉर्म्स होते हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए। कभी भी डरा रही हैं बहुत। हाँ, नेगेटिव प्रेडिक्शन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सत्य सत्य होता है, उसको मैं एक ज्योतिष वही जो सत्य बोले।